सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एफसी मोबाइल के मार्केट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, मतलब कैसे आप प्लेयर बेच सकते हो, कैसे खरीद सकते हो प्रॉपरली, मतलब ठीक से, इधर मतलब ज़्यादा आपका पैसा नहीं जाए, मतलब ज़्यादा पैसे से मतलब ना खरीदो। और मुझे मेरा पिछले वीडियो में कमेंट भी आया था कि भाई ट्रेंडिंग लेवल वाले प्लेयर को कैसे बेचे, ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है मार्केट के ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं। तो इसमें कुछ चेंजेस भी है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ऐसे हम लोग पहले मार्केट में चलते हैं, मैं आपको मतलब बेचने से सिखाऊंगा, लास्ट तक एंड तक देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये वाले प्लेयर होते हैं जो कि हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, मैं पूरा फर्स्ट समझा देता हूँ आपको। ये वाले प्लेयर्स आप मतलब ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी यूज़ इसका नहीं होता है, मतलब आप चाहो तो गेम में यूज़ कर सकते हो, मतलब बेच नहीं सकते, इससे पैसे नहीं कमा सकते, ठीक है। तो ये वाले प्लेयर मतलब आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो ये तो जो भी है। और बाकी रहा, बाकी जो ट्रेड मतलब कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको मेरे में, अगर मैं अपना टीम दिखाता हूँ, एक मिनट में दिखाता हूँ मेरा टीम। हाँ, तो यहाँ पर जैसे मुझे बाजियों को एक मतलब बेचना है, ठीक है, तो मैं इसका रैंक अप क्या, मैंने दो लेवल मैंने रैंक अप किया है और बाकी ट्रेनिंग मेरा 15 तक हो गया है, ठीक है। तो इस बार एफसी मोबाइल में मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, क्या फीफा मोबाइल में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं हमारा ट्रेनिंग, तो इसमें लेकिन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब इससे क्या होता है कि आप जितने भी पैसे लगाओ या फिर जितने भी प्लेयर लगाओगे आपका मतलब सब जाएगा, अगर आप प्लेयर बेचना चाहते हो, ठीक है। तो मतलब जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो तो उनको तो पता होगा, बाकी जो न्यू प्लेयर्स हैं मैं उनको बता देता हूँ। तो अगर आपको मेरे जैसे यहाँ पर बाजियों को बेचना है, मैं भी नहीं बेच सकता क्योंकि मेरा वो प्लेइंग 11 में, इसीलिए तो मैं उसे नहीं बेचना, मतलब अगर मैं बेचना चाहूँगा, ठीक है, तो मुझे इसके साथ 93 ओवर के साथ ही उसको बेचना पड़ेगा, ठीक है। मेरा लेकिन था कितना, 91 या फिर 90 या फिर 91 ऐसा कुछ था, मैंने उसको लेवल अप करके रैंक अप करके 93 का कर दिया है। और एक बात, जब आप प्लेयर बेचो, मतलब अगर आपको मतलब हो रहा है कि मुझे पैसा चाहिए और मुझे प्लेयर बेचना है, ठीक है, तो उस टाइम आप क्या करते हो कि आप नहीं देखते कितना क्या होता है, बस बेच ही देते हो, तो वैसा मत करो। जैसे कि मेरा ये एटो है, ठीक है, मैं उसको सेल करना चाहूँगा, ठीक है, तो उसको सेल करूँगा ये, लेकिन अभी कितने में जा रहे हैं, मेरा दिखा रहे हैं 5 मिलियन, ठीक है, लेकिन कुछ दिन पहले इसका रेट था 20 मिलियन, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ऑलमोस्ट 21 या फिर कितना था, ऐसा ही कुछ था, नहीं 21 ही था, तो ऑलमोस्ट मतलब 20 मिलियन के ऊपर ही था। अब लेकिन अब इसका कमते मतलब थोड़ा कम कर यहाँ पर आ गया है 7 मिलियन तक। तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं क्योंकि मैंने इसको खुद ही इसको 20 या फिर 29 मिलियन में इसको ख़रीदा था, लेकिन इसका अब 7 मिलियन सिर्फ रेट है, तो मैं इसको बेच के क्या करूँगा, ठीक है, तो मैंने इसको रखा है। तो ट्रेनिंग लेवल वाले ऐसे कुछ नहीं है, मतलब ट्रेनिंग आप करो या ना करो आप बेच सकते हो प्लेयर, बाकी प्लेइंग लेवल से निकाल दो फिर बेच दो, कोई बात नहीं, उससे कुछ नहीं होता। तो बाकी अगर मतलब ट्रेनिंग आप कर चुके हैं बहुत सारे, तो मतलब आप ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसके साथ ही उसको बेचना पड़ेगा, तो ऐसा है। और जैसे कि मेरा, अगर मैं इसको बेचना चाहूँ तो मतलब क्या होता है कि मुझे अभी क्या पैसे का ज़रूरत है, ठीक है, अगर इसमें पैसे का ज़रूरत है तो मैं यहाँ पर क्यों बेचूँ। 8 मिलियन इसको मैंने ख़रीदा था, ये तो मिला था मुझे फ्री में, लेकिन 8 मिलियन जो भी आप खरीदते हो तो उसको जब बेचो तो ठीक रेट देख कर बेचो, ठीक है। जैसे मेरा ये अगर एटो में बेचने जाऊँगा तो क्या 20 मिलियन में मैंने ख़रीदा था, मैंने उसको 7 मिलियन में क्यों बेचूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, और सेल क्वांटिटी परचेस क्वांटिटी, ये सेल क्वांटिटी परचेस क्वांटिटी मतलब फीफा मोबाइल जैसा ही है, अगर मतलब सेल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, परचेस क्वांटिटी नहीं, अगर प्लेयर बेचना चाहते हो आप तो आपका प्लेयर नहीं बिकेगा, और मतलब सेल क्वांटिटी मतलब पूरा जीरो है और परचेस क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप अगर प्लेयर खरीदना चाहो तो आप खरीद नहीं सकते, ठीक है, तो ऐसा ही है। बाकी मैं इसका अभी जो नया निकल के आया है, ये मैंने जो मतलब क्या 20 मिलियन से लेकर 7 मिलियन तक मतलब बहुत रेट कम जा रहा है, मतलब 20 मिलियन में खरीद के 7 मिलियन के बेच के क्या फ़ायदा, ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं बेचता इसे, मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो आप बेच सकते हो, कोई बात नहीं। और बाकी अगर परचेस करना है, ठीक है, तो मैं देखता हूँ किसको, तो पोजीशन पहले मारते हैं,
अटैक मारते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर स्ट्राइकर के मतलब सब कुछ स्ट्राइकर यहाँ पर जो भी फॉरवर्ड अटैकर है तो हम वहाँ पर आ गए हैं। मतलब मैं परचेस करने का तरीका दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर चाहो नेमार को ख़रीदना, ठीक है, कितना 106 मिलियन है, ठीक है, नहीं वन हाँ ऐसा ही कुछ है ला, मतलब 106 मिलियन या फिर 105 मिलियन ही है। तो इसको आप अगर ख़रीदना चाहो तो आप अभी आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर सेल क्वांटिटी बिल्कुल ज़ीरो है। अगर आप मतलब परचेस मार के रख देते हो तो आपको मतलब आप सोचो कि हाँ आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मिल ही जाएगा कभी ना कभी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपके पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ पर परचेस मार के रखे हैं, ठीक है, ऐसे कि बहुत ज़्यादा पैसे में भी परचेस मार के रखे हैं, ठीक है। तो मतलब अगर मेरे सब्सक्राइबर्स कोई भी मार के रखा है तो उसको काट दो, ठीक है। अगर यहाँ पर कम जाएगा तो जब सेल क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो तभी आप मतलब देख के मार देना। तो मतलब सेल क्वांटिटी अगर ज़्यादा होता तो आपको पहले मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसा ही अगर कोई भी देख रहे हैं मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स कोई भी मार के अगर इस वाले नेमार को ख़रीदना चाहते हैं तो उसको मतलब कार्ड दो पहले, तो जब आएगा तब भी खरीद देना, कोई बात नहीं। इसका बहुत ही जब मतलब कार्ड मिल जाएगा आपको वैसे भी, ठीक है, अभी नहीं है कार्ड, सेल क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो भी रखे हैं उसमें रखे ही रखे हैं। तो इसलिए अब अगर मैं चाहूँ यहाँ पर रोनाल्डो ख़रीदने तो रोनाल्डो का ये देखो सेल क्वांटिटी जितना है परचेस क्वांटिटी उतना ही है, लेकिन यहाँ पर परचेस क्वांटिटी जो है ना वो क्या मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दे रहे जो भी खरीदना चाह रहा। 209 मिलियन से ज़्यादा कोई देना ही नहीं चाह रहा, 211 मिलियन से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर जो सेल क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, 229 मिलियन 230 मिलियन ऐसा करके है, इसीलिए कोई खरीद नहीं रहा। तो अगर मेरा कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है तो अगर आप रोनाल्डो को सेल पे लगाए हो तो प्लीज़ मतलब उसको उनके हिसाब से भेजो, ठीक है, मतलब जो ख़रीदना चाहते हैं उनके हिसाब से भेजो, वो जितने में मांग रहे हैं उतने में दे दो। क्योंकि ऐसे भी अगर आप मतलब ज़्यादा करके रखोगे तो कोई भी नहीं खरीदेगा, ठीक है, मतलब ऐसे मतलब अगर उसके पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो ख़रीद लेगा, ज़रूर खरीद लेगा। लेकिन ऐसा अगर है मतलब परचेस पंडे जो मांग रहा है वो आप दे दो, वो आपको मतलब सबसे अच्छा होगा। ऐसे भी मतलब कम के ही पैसा आएगा, ठीक है, 1 मिलियन या फिर 2 मिलियन कम ही जाएगा आप जितने में बेचोगे। तो क्यों नहीं मतलब थोड़ा कम कर दे दो, 199 मिलियन या फिर जितना भी होता है आप रख लो, कोई बात नहीं उससे। तो बाकी परचेस वाला यही रहा, और बाकी सेल वाला तो मैंने आपको बता दिया पहले, और बाकी मतलब जो प्लेयर रैंकअप जितने भी करे होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बेचना चाहो तो बेच सकते हो, नहीं बेचना तो रख सकते हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है एप्सी मोबाइल में तो आप मुझे आराम से कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। जो भी आपको टिप्स चाहिए मैं उसमें दे दूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।